नमस्कार, मैं रिश्मा पॉल आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। मां भद्रकाली के मेले पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एसटीपीसी के कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है मेडिकल माफिया, कहा सरदार मनदीप सिंह मन्ना ने। दुबई से आए यात्री से 17.5 लाख का सोना कस्टम विभाग ने किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। सिद्धपीठ श्री भद्रकाली में चल रहा प्राचीन मेले के तीसरे दिन उपरा एकादशी पर हजारों की संख्या में भक्तों ने माथा टेका। वहीं भक्तों ने बताया कि मां काली के समक्ष आकर सभी भक्तजनों के कष्ट दूर हो जाते हैं। सिद्धपीठ में कई सहकीर्तन मंडलियों द्वारा मां का गुणगान किया गया। मंगलवार की रात को महंत देवीदास, महंत बिल्ला और अन्य पार्टियों ने मां का गुणगान किया। लेकिन इन्नी श्रद्धालु इन्ने जोरों से आते हैं, करोड़ों साहब के श्रद्धालु आते हैं यह मेले दौरान। अज वेखो इन्नी दुनिया इतने, लेकिन दुनिया के जान आने का रस्ता कोई नहीं है। असी प्रशासन का भी मांग करते हैं, तो मंदिर जो महंत बैठे उन्होंने भी मांग करते हैं, कम से कम जोड़े श्रद्धालु इतने आते हैं उन्होंने सुविधावान कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। मंदिर की मानता बहुत पुरानी जी, इतने महाराज रणजीत सिंह ने उस टाइम मत्था टेकया, जिस रणजीत सिंह मत्था टेक के तू वर लै गया कि तू पूरा पंजाब क्लीयर करेगा। माँ माँ का रूप चुंडा रूपी रूप है, माँ भद्रकाली जिन्हों विखाए, जिन्हों तारे उतार दी, जिन्हों मतलब कि कहना मतलब जिथे माँ ना लै लिया उत्थे बंदा तर जाता। हाँ, शराब चढ़ती, बकरा भी चढ़ता है, हर चीज़ चढ़ती है, लेकिन इत बकरा वढ़िया नहीं जाता इतने मंदिर। हाँ, एक भद्रकाली एक काली, काली का मंदिर पहले है, भद्रकाली का पिछे मंदिर है, उत्थे शराब पी के बंदा पिछे जा नहीं सकता जी। असीं बचपन तो ही इत्थे आ रहे हैं, यह बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है, सारे दी मुरादा इत्थे पूरियां हुंदियां ने, ते लोकी मनदे ने, लोकां दा मनना है कि जदों यह मेला आंदा है तो 3-4 दिन पहला नेरियां स्टार्ट हो जांदी है, साक्षात माता इत्थे आके प्रगट इत्थे हुंदे ने। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल 2 दिन के अमृतसर के दौरे पर हैं। वहीं कल उनकी ओर से अमृतसर के हलका लोपोके की संगत के साथ संगत दर्शन किया गया। वहीं आज उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका। इस दौरान सरदार प्रकाश सिंह बादल की ओर से आज मीडिया से दूरी भी बनाई रखी गई। मैं कुछ नहीं कहना, मैं की कहना, चलो काका आज इतने मत्था टेकने आए हैं, कोई पॉलिटिकल काम नहीं, शरदा ने मत्था जो तुम आना है अमृतसर। हल्का दक्षिणी की वार्ड नंबर 39 में श्रोमणी अकाली दल के आगुओं की हुई एकत्रता ने रैली का रूप धारण किया, जिससे खुश होकर श्रोमणी अकाली दल बादल के जिला शहरी प्रधान सरदार गुरप्रताप सिंह टिक्का और माझा जोन व्यापार विंग के प्रधान सरदार रजिंदर सिंह मरवाहा ने रैली का विशेष प्रबंध करने वाले सीनियर अकाली आगु कैप्टन तुना को 2-2 औहदों से नवाजा गया। कैप्टन तुना को इस मौके पर मीत प्रधान श्रोमणी अकाली दल शहरी और हल्का दक्षिण के सीनियर मीत प्रधान व्यापार विंग बनाया गया, जिसके चलते कैप्टन तुनू ने समूह सीनियर लीडरशिप का धन्यवाद किया और भरोसा दिया कि वे इस जिम्मेदारी को पूरे तन मन से निभाएंगे। आज वीर कैप्टन तुना जी वालों एक प्रोग्राम रखा गया, जिसे मेरे नाल आरसी यादव जी, श्री राम आरसी यादव जी, सरदार राम सिंह जी, इस इलाके के होर भी सरकार जिन्हों के मीटिंग जी की गई है, वो जिते डिवेलपमेंट की गल की गई है, क्योंकि इन्होंने इलाकों के डिवेलपमेंट वालों असं ये तुम यकीन दवाने भी 100% डिवेलपमेंट का जोड़ा वादा वा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का, सरदार सुखबीर सिंह बादल का, उसनों अं पूरा कर जा रहे हैं। हर एक वार्ड से तकरीबन 2 करोड़ रुपये के जोड़े बाकी रेंदे काम ने, जिस वाटर सप्लाई, सीवरेज, सीसी फ्लोरिंग, जड़िया जैंबरस बनने वाले, जालियाँ का कोई रिपेयर होने वाली है,
वो 100% डिवेलपमेंट पा के पे थी, कोई काम शुरू हो गए ने, कुछ आने वाले महीने डेढ़ महीने हो जाएंगे। सो मैं अपने वीर कैप्टन धुना जी का सारे वीर का धन्यवाद करता जिन्होंने श्रोमणी अकाली दल के नाल जिते खड़े होंदा कीता। मेरा नाम कैप्टन धुना, 39 नंबर वार्ड विच अज सरदार गुरुप्रताप सिंह जी टिक्का शहरी प्रधान, सरदार रजिंदर सिंह जी मरवाह माझा जोन के प्रधान, जिहड़े अज साढ़े 39 नंबर वार्ड में आए से, उन्होंने जो मैनू माण बख्शिया है मैं उन्होंने जो माण मैं बख्शा है मैं अपने मन तन नाल तह दिलों निभावांगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सरदार मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि सत्ताधारी श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ मिलकर श्री गुरु रामदास कैंसर हॉस्पिटल वल्ला में मेडिकल माफिया चला रहा है। इस माफिया को भारतीय जनता पार्टी की मुख्य सहमति हासिल है। इस सारे गौरव धंधे में हॉस्पिटल के कुछ नामवार डॉक्टर भी शामिल हैं। मन्ना शुक्रवार को एसजीपीसी की ओर से चलाए जा रहे वल्ला हॉस्पिटल में पंजाब के कैबिनेट मंत्री सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की शह पर चल रहे मेडिकल माफिया के संबंध में मीडिया के समक्ष दस्तावेजों के साथ खुलासा कर रहे थे। मैं कहना चाहना जी, जो गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहा वल्ले दे विच, वो लोगों ने दान दिती हुई जमीन सी अपने इलाज कराउण लई, अपने बच्चों उत्थे नौकरियां दवाउण लई। उत्थे बिल्कुल जिहड़ा गोरख धंधा चल रहा, पहली गल तो कैंसर का जिहड़ा हॉस्पिटल है, कैंसर दे विच जिन्हां लोगों नूं रिलीफ मिलती है 1.5 लाख रुपया, उन्हां दा तिन्नां सिटिंगां दे विच 1.5 लाख रुपया खतम खपत कर दिता जांदा। 69,500 रुपये की इन्हां दी रसीद कटदे ने, एक वारी कट लिया जांदा। दूजी चीज़ जिहड़ी अंदर दुकान चल रही है, वह बंदा मजीठे हल्के दा, और वह दुकान जिहड़ी इन्हां पिछली वारी उहदे कोल 2,97,00,000 रुपये दे विच दित्ती सीगी, 5-700 उत्थे पेशेंट नहीं हैगा, जिहड़ा 3 करोड़ रुपया लोगों के उत्ते भार पैंदा है साल का। ये जिहड़ा ये बिल्कुल गलत है, चैरिटेबल ते इहदे नाम नाल लगना ही नहीं चाहिए। असीं मैडिकल काउंसल ऑफ इंडिया नूं शिकायत भी करांगे कि इहदी जिहड़ी इंस्पैक्शन की जाए, ये लुट खसुट जिहड़ी हॉस्पिटल की बंद होनी चाहिए है। सब तो महंगा इलाज जिहड़ा इस चैरिटेबल हस्पताल दे विच है, जे ICU दे विच बैड लैना है तो 9,500 रुपये का तुहानूं बैड मिलता है। इतों के जिहड़े जिहड़े बाहर हस्पताल ने प्राइवेट फोर्टिस ला लो, EMC ला लो, उत्थे 4,500 रुपया रेट है। दुकान दिती है जी, वह गुरप्रीत सिंह गोल्डी है, मजीठे हल्के का, गोपालपुरे पिंड का, उन्होंने वह दुकान दिती गई है। हुण तो दुकान की जिहड़ी टर्म भी मुक चुकी है, उन्होंने किहड़े शर्तों के उत्ते किस आधार के उत्ते अंदर 4 दुकाना खिला के दित्तियां गईयां। बाहरले लोगों दी मैं इन्हां कटिंगां तक तुहानूं दिखाईयां ने कि दो बंदे जिहड़े उन्हां नूं सट्टां लाईयां गईयां, दुकान च वड़ के कुट्टिया गया, परचा तक दर्ज नहीं करन दित्ता गया। यह हाल जिहड़ा इन्हां मैडिकल माफिया बनाया। मैं मंग करदा जी, पहली गल तो ये नालों चैरिटेबल लफ्ज ही कटना चाहिए। दूजी गल, मैडिकल काउंसल जी है वो कोलों असीं मंग करते हैं कि इस हॉस्पिटल की इंस्पैक्शन होनी चाहिए और ये मापदंड जोड़े वो तय किए जाने चाहिए ने। घपलेबाजी दवाइया महंगा दित्तियां जांदियां ने और जिहड़ियां प्रोपेगंडा दवाइया ने आप तैयार कीतियां लोगों को लैण लई मजबूर किया जाता, वो महंगे भाव के उत्ते मिलदियां ने। साल्ट क्यों नहीं लिखते, जो PGI दे विच ये लिखा है कि साल्ट लिखा जाएगा तो फिर इतने शर्तां क्यों नहीं लागू होंदियां। गुरदासपुर विजिलेंस के DSP सरदार मनोहर सिंह सैनी ने बताया कि जिला गुरदासपुर के गांव कर्णपुर के रहने वाले सरदार लखविंदर सिंह ने उनके पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने ट्यूबवेल के कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के डिमांड नोटिस के मुताबिक सारी सरकारी फीस जमा करवा दी थी, लेकिन जय सतनाम सिंह उसके ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज और जरूरी सामान जारी करने के एवज में 25,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। और कुछ दिन पहले सरदार लखविंदर ने पहले 10,000 रुपए दिए थे और अब सौदा 9,000 रुपए रिश्वत के तौर पर और देने के लिए तय हुआ था, जिसके चलते लखविंदर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग की तरफ से एक ट्रैप के जरिए जय सतनाम सिंह को उसके दफ्तर में ही 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना विजिलेंस अमृतसर में भ्रष्टाचार रोको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लखविंदर सिंह सन ऑफ दीवान सिंह पिंड गुनोपुर सैदोवाल का व्यक्ति सी, जिन्हें अपने ट्यूबवेल का कनैक्शन उहदा मंजूर हो चुका है, उहदा एस्टीमेट लग गया सी, उहदे सारे पैसे जमा हो गए, ठेकेदार की लेबर भी उहदे एस्टीमेट के पैसे भी करीब 1.25 लाख रुपया जमा हो चुका है। बट ये जिहड़ा जेई सतनाम सिंह अज फड़िया है, ये उहदे बिजली का कनैक्शन इशू करन दे वास्ते उहनूं बिजली का कनैक्शन इशू करने वास्ते कहता है कि तेरा समान मैं तो कढ़ावगा जो मैं तू 25,000 रुपया देगा। बट उन्हें 10,000 रुपया उन्होंने पहले देता से, 15,000 रुपया होर मंगता से, बट वो कहता मैं गरीब आदमी हाँ, मेरे को इन्ने पैसे नहीं, बट बाकी मैं तुम्हें बाद दे देंगा, मेरे को 9,000 रुपया है। बट ये उन्होंने पैसे दे के रिश्वत दे काम नहीं करवाना चाहता, साढ़े को आया, असी अपनी रेडिंग पार्टी का अरेजमेंट करके
तो सरकारी गवाह ला के असी मौके के उत्ते रेड किया रंगे हाथी जोड़ा है जे ई सतनाम सिंह इनू दफ्तर चो फड़ लिया। ये खिलाफ करप्शन एक्ट 713-2 का जोड़ा वो FIR दर्ज 12/16 अमृतसर दर्ज कर दी है। अगली कार्रवाई की जा रही। प्रसिद्ध सूफी गायक श्री लखविंदर वडाली गाली गारू बरोसवाली ऋषि विहार मजीठा रोड में कुलदीप सिंह द्वारा रखे गए विशेष स्वागती प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि आज वे बहुत सम्मान महसूस कर रहे हैं कि उनके बचपन के मित्र श्री कुलदीप जी ने उन्हें अवार्ड मिलने पर उनके लिए विशेष पार्टी रखी, जिसके लिए वे तहे दिल से आभारी हैं। सब तो पहले मैं अपने दोस्त कबल होर का बहुत बहुत धन्यवाद। अज मजीठा रोड गंडा सिंह वाला दे विच उन्होंने स्पैशली आ के इन्ना इज्जत मान दिता। उदी एक वजह हैगी PTC चैनल दे उत्ते अवार्ड मिलिया बेस्ट फोक पॉप वोकलिस्ट दा, ते प्लस मेरी हुण तक दी दे लई ए पार्टी मैनूं दित्ती आ, ते मैं बहुत सरप्राइज दिता इन्होंने बेसिकली। ते मैनूं इन्ना नहीं पता सी कि इन्ने ਹੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਦੀਪ ਕਵਲ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਔਰ ਕੁੱਕੂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕਵਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ PTC ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ 2:30 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਜੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਓਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੀਏ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਓਂ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਅਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਤੋ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। आज अमृतसर के हलका अटारी के गांव बासर के घिला में गुरु अमरदास पब्लिक स्कूल में द ग्रेट स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान नवदीप सहौता की तरफ से मानतियां दा जिला पत्थर पर समागम करवाया गया, जिसमें मुख्य मेहमान गांव ताईचक के सरपंच प्रेम शाह उपस्थित हुए। इस दौरान अलग अलग स्कूल से आए विद्यार्थियों को अच्छे अंक हासिल करने के लिए सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर क्लब के प्रधान नवदीप सिंह सहौता ने बताया कि हमें बेटियों को बेटों के समान समझना चाहिए क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इस मौके पर रंजीत सिंह राणा बासर के प्रिंसिपल, जितेंद्र सिंह बेदी मीडिया सलाहकार, नवकीरत सिंह कोच, अरजिंदर पाल सिंह, बलबीर सिंह गिल, गुरशरण जीत कौर बासर के आदि उपस्थित थे। मैं प्रेम सिंह शाह सरपंच ताईचक, आज का प्रोग्राम ग्रेट स्पोर्ट क्लब एंड कल्चर क्लब वाले नवदीप सिंह गोल सलोत्रा जी जिहड़ा प्रोग्राम करा रहे बेटियां वास्ते, अज 85% तो लैके 95% तक बेटियां जिहड़े नंबर लए आ उन्हां समान स्वरूप कराया गया वा, जिस वे बेटियां नूं पढ़ाउण दा इह शलाघाजोग कदम आ ते नाले उन्हां दा मान सम्मान बेटियां दा वधाया गया। इस विच असीं अज दा जिहड़ा सन्मान समारोह जिला पद्धरी करवा रहे हैं, जिहड़े बच्चे साढ़े 85% तो 95% नंबर लै के आए हैं, असी उन्हां नूं अपनी संस्था वालों उचेचे अवार्ड ऑफ ऑनर दे नाल सन्मानित करते पे हाँ। तो एक मेरा मैसेज उन्हां मापिआं नूं आ जिहड़े बेटियां नूं अपना पढ़ाउंदे नहीं आ, मैं चाहुंदा कि बेटियां नूं वध तों वध पढ़ाया जाए ते भ्रूण हत्या दे खिलाफ जोरां शोरां दे नाल होर भी सोसाइटियां साडा संयोग देण, ते असी एक अमृतसर विच रैली करवाउण जा रहे हैं भ्रूण हत्या दे खिलाफ बहुत वड्डे पद्धर ते, असी इस तरह ही प्रोग्राम करवाउंदे रहांगे। गां साडा
प्रोग्राम इस तरह चलते रहेंगे पूरा साल। गुरदासपुर का रहने वाला अवतार सिंह जो पंजाब पुलिस ने ASI है और जिंदल स्टील वर्क्स की ओर से स्पॉन्सर किया गया है, अपनी प्राप्तियों के बारे में बताते हुए सरदार अवतार सिंह ने कहा कि वे वाहेगुरु का शुक्राना अदा करते हैं और उन्होंने अपने माँ बाप कोच अमरजीत शास्त्री कोचिंग सेंटर के सीनियर खिलाड़ी तथा जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को इसका श्रेय दिया। वहीं उनका कहना था कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन अब वह उन मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की तैयारी में हैं और उनका कहना है कि वह आगे ओलंपिक में हिस्सा लेकर देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। मैं सब तो पहले तो माता पिता ये जो परिवारक मैंबर ने उस बधाई देना, दूजे नंबर पर ये जो सहयोगी पार्टनर ने, क्योंकि जूडो जी इंडिविजुअल गेम है उद्दे जिदा कि अवतार ने कहा कि हर एक बंद सहयोग की लड़ हैगी। अज जितों तक संभव है कि गुरदासपुर जोड़ा एक सरदी जिला है, पछड़िया जिला है, उसने एक समुचे हिंदुस्तान की संसार पद्धर से एक कलंक जरा गुरदासपुर के नाते से वो धोता है अज कि गुरदासपुर जरा वो पुराना जरा सुरजीत उरी मुखमैन उरी जो हॉकी के पुराने प्लेयर से उन्होंने धरोहर अगे लेके गया। ये तो एक बहुत वड्डी खुशी की गल है, कहिंदे 12 साल बाद किसी रूड़ी की सुनी जाती है, 12 साल बाद इंडिया का कोई जूडो का जरा ओलंपियन है वो होके खेडन जा रहा है। 12 साल पहला अक्रम शाह 60 किलो के उन्हें पार्टीसपेट किया, 20 साल पहला संदीप ब्याला अमृतसर तो उन्हें 81 किलो भार वर्ग च ओलंपिक के क्वालीफाई किया। साढ़े लिए बहुत वड्डी खुशी की गल है। अवतार सिंह वख वख टूरनामेंटा खेडता होया एशिया के उसका 5वां स्थान से, जी नॉर्थ साउथ एशिया है वो 2 वारी का गोल्ड मैडलिस्ट है, ग्रैंड स्लैम ग्रैंड फिक्स जो बड़े टूरनामेंट ने उन्होंने 7वीं पोजिशन हासिल की, टोटल वर्ल्ड के रैंकिंग जी है वह 79 आई है, तो एशियन कंटीजेंट जो कोटा है वो थ्रू ये जा रहा है। मुश्किलां तो चलो बहुत सारिया आदियां, पर मुश्किल जो ना हो फिर अपनी अचीवमेंट से कोई मजा भी नहीं होंगे। सो मुश्किलां बहुत सारिया आईया वा, तो चलो हूँ सब मुश्किलां भुलाते हुए बहुत खुशी हो रही है सानू सारे, बाकी गुरदासपुर साडे सेंटर साडे कोच साहिबां नू मां प्यो नू फैमिली मैंबरस नू फ्रेंड्स नू। सहयोग कल्ले बंदे दा ते कदी सहयोग ना आदमी कामयाब नहीं हो सकता, सारिया ने सहयोग नाल अपने पेरेंट्स कोचेस अपने जूडो के जिन्हें भी मैं एक निक्के जे बच्चे तो लै के अपनी सीनियर तक जो गेम कर रहे ने जो नहीं भी कर रहे हर एक मैं थैंक्स कहना वा। सो उन्होंने सहयोग तो बिना तक नहीं पहुँचा जा सकता, सो उन्होंने मैं ऑलवेज थैंक्स कहना परिवार वालों सहयोग चाहे थोड़ा सी चाहे ज़्यादा सी बट उन्होंने वालों पूरे 100% एफर्ट से। अमृतसर के गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई से आई स्पाइस जेट की फ्लाइट में अमृतसर पहुंचे यात्री से कस्टम विभाग ने करीब 600 ग्राम सोना बरामद किया है जिसकी कीमत करीब 17.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस संबंध में कस्टम अधिकारी नितिन सैनी ने बताया कि जब सभी मुसाफिरों की जाँच की जा रही थी तो शक होने पर इस यात्री के शरीर की जांच की गई तो पता चला कि यात्री ने अपने शरीर के अंदर सोना छिपा रखा है, जिसके बाद यात्री से करीब 4 टुकड़े 24 कैरेट सोने को बरामद किया गया। देखिए आज ऐसा है, आज 2 जून को सुबह स्पाइस जेट की फ्लाइट आती है 056, ये दुबई से फ्लाइट आती है और इसमें से एक पैसेंजर इंडियन पैसेंजर जो थे वो उतरे और उन्होंने ग्रीन चैनल जो है क्रॉस किया। इन्होंने अपने जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें कुछ भी ड्यूटीबल डिक्लेयर नहीं किया था, तो हमने इनका जब पासपोर्ट वगैरह चेक किया था तो उसमें हमने देखा कि इनकी दुबई की काफ़ी शॉर्ट वीज़ रही हैं और साथ में इनकी बॉडी लैंग्वेज भी जो थी वो सस्पिशियस थी, तो इस आधार पर हमने इनको पूछा और इनसे हमने इनके बैगेज की तलाशी लेने का फैसला लिया। साथ ही हमने मेटल डिटेक्टर से इनकी पूरी बॉडी की जाँच की, तो मेटल डिटेक्टर से आवाज़ आती है जब भी कोई मेटल अगर आदमी अपने अंदर छुपा के लाता है, तो इनके जो रेक्टम है वहाँ से हमारे को मेटल डिटेक्टर ने पॉजिटिव सिग्नल दिया, तो हमने फिर इनसे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने एडमिट किया कि ये अपने रेक्टम में गोल्ड छुपा के लाए हुए हैं, तो हमने इनको फिर एडवाइस किया कि आप ये गोल्ड जो है एक्सक्रीट कर दें, तो इन्होंने गोल्ड एक्सक्रीट किया और 4 गोल्ड पीसेज जो हैं जिनका कुल वजन 600 ग्राम है वो हमने इनसे बरामद किया है। देखिए इस जो गोल्ड है ये पूरा 24 कैरेट प्योरिटी का है और इसकी जो वर्तमान में जो मार्केट में कीमत है वो लगभग 17.5 लाख रुपए है। ये शख्स जो है दुबई से आए थे और ऑफ कोर्स ये इंडियन पैसेंजर हैं और हमने अभी इनको पूछ डिटेन किया हुआ है और हम इनकी स्टेटमेंट अभी ले रहे हैं,
तो फिलहाल जो पूरी जानकारी है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको। अमृतसर के गुरु नानक भवन में श्रोमणी अकाली दल बीसी विंग के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर श्रोमणी अकाली दल पिछड़ी श्रेणी विंग के प्रधान जथेदार हीरा सिंह गाबड़िया और जिला उप मुख्यमंत्री पंजाब के राजनीतिक सलाहकार परमजीत सिंह सिरपा विशेष तौर पर हाजिर हुए। जिला प्रधान दर्शन सिंह सुल्तानवीर ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर गाबड़िया ने कहा कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बीसी विंग की अहम भूमिका होगी। पिछड़ी जातियों का भला केवल मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया है। इस मौके पर सरदार तलबीर सिंह गिल, सरदार गुरुप्रताप सिंह टिक्का, सरदार अवतार सिंह ट्रक्का वाले, सरदार गुरप्रीत सिंह रंधावा, भाई राम सिंह, बाबा सिंह गुमानपुरा, अजय बीरपाल सिंह रंधावा आदि उपस्थित थे। वो असी तीजी बार सरकार बनावे और जिन्ना भी साड़ी एक सिर्फ डिमांड आ कि स्वर्णगढ़ भाईचारे को बीसी विंग शामिल किया जाए और बाकी बरादरियां जिहड़ियां साडे नाल सहयोग दे रही ने मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा। साड़ियां 8 मंगा ने जिहदे विचों मेरा ख्याल है कि बाल साहब ने सारे कहा भी मैं तुहानूं 2-3 दिन च सारियां डिकलेयर कर दांगा। और मेरा ख्याल है शायद अज मीटिंग कोई ना कोई चंगा रिजल्ट आएगा। मैं और स्वर्णगढ़ भाईचारा बहुत बहुत बाल साहब का और गाबड़ी साहब का सिद्धवा जी का बहुत धन्यवादी हैं। सुखबीर बाल जी भी बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने अज साडे वास्ते एक बहुत वड्डा 30 साल की जिहड़ी लटकती मंग सी उन्हें प्रवान करने वास्ते सानू विश्वास दया और बीसी विंग की चढ़ती कला वास्ते ये दास 9 साल तो लगा सीगा। इहदी पहली मीटिंग जिहड़ी अज बीसी विंग की हुई है और मैनू और प्रधान साहब नू और बाबा सिंह गुमानपुरा जी बहुत खुशी है कि स्वर्णगढ़ भाईचारे नू बीसी विंग च शामिल कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि शायद अज मीटिंग दे विच कोई ना कोई चंगा रिजल्ट आएगा। जरूरी मंगा जिवें मंडल कमिशन आ उहदे ते विचार कीती जा रही आ ते किवें लागू हो सकदा। कानूनी निक्के ने कही बाकी स्टेटां नाल वी रह कीती जा रही आ। इसे तरह साढ़े सघन स्कीमां दा जिवें साढ़े इत्थे कमिशन दा एक्ट नहीं बनिया वह भी बनने वाला सीगा। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने 6 जून को सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखें और जनता को खौफ मुक्त रखने के लिए फोर्स की अमृतसर में तैनाती भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कूल के अध्यापकों को गर्मी की छुट्टियों में सरकार की योजनाओं के प्रचार के आदेशों पर अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा दमदमी टकसाल और संत रंजीत सिंह की ओर से हमले की CBI जाँच की मांग पर उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पंजाब पुलिस इसकी अच्छे से जाँच कर रही है। साडा सरकार दा काम है ला एंड आर्डर कायम रखना। जे नहीं करते तो तुम फिर भी सवाल, जे करते हैं फिर भी सवाल, थोड़ी सैटिंग होती मैं उ कर देना है जी। ओह जिन्हें सदा दे डेमोक्रेसी है जेड़ा मर्जी करे, साडा काम है ला एंड आर्डर। ये चल कोई ना कोई यह जी गल हो जाती है फिर की करिए पढ़न। सरकार पुलिस का काम हों कोई मुलजम होनू करे काका असि इन्ने मुलजम फड़ ले, पुलिस एक्टिवली काम कर रही है, सेट बनाई है, जो सारी गल होगी तो फिर तो सामने आ जाऊगी। देखो गल है कि अज किसानी जी है वो बहुत औखे समय विधि टप रही है और मैं ही अपील करदा कि कोई जल्द यह जब कमेटी या जब एक्सपर्ट्स की गल की जाए जेडे किसानी नू मुनाफा बख्श धंधा बनाने वास्ते की स्टैप्स ले जाए। खास करके पंजाब की किसानी का दूजे नो बहुत फर्क है क्योंकि उत्थे दा जिहड़ा बीज पा दिंदे आ जो जिहड़ा हो गया नहीं हो ना होया। आपां इत्थे फसल जिहड़ी है किसान अपने बच्चों को पालदा ना, सोका भी होवे तां भी डीजल बाल के फसल तैयार करदा। इहदा खर्च ज्यादा है, मतलब खेती ते पंजाब दा खर्च ज्यादा है दूजे दा। मैं भी अपील करदा कि शांति रहो। कोई देखो साडा काम है भावे कोई करे, असी पंजाब च अमन शांति भाईचारक सांझ कायम रखनी है। सारयां नूं अपील करदे आ कि जिहड़ियां इह जिहियां गल्लां उहदे नाल तरक पंजाब दा नुकसान हुंदा है, अमन शांति रखे। देश का रेल विभाग अक्सर घपलेबाजी के आरोप में सुर्खियां बटोरता है। इस बीच एक अबदा घोटाला सामने आया है। अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर जहां पर पार्किंग के नाम पर आम जनता से पैसे वसूलने का काम एक नामवर TT के द्वारा किया जा रहा था,
इस मामले में खुलासा तब हुआ जब दिल्ली से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल 19 फरवरी से 19 मई तक के 3 महीने का ठेका रेलवे विभाग के द्वारा 4,46,000 रुपए में दिया गया था, जिसमें कि प्रति महीना 1,50,000 रुपए रेल विभाग को आ रहे थे। लेकिन ठेका खत्म होने के बाद एक बड़े टीटी अमोलक सिंह ने इस ठेके को अपने अधीन बिना किसी शर्त के कर लिया। वो रेलवे गया, पता नहीं है कौन से अफसर है वो। पहले मैं काम करता था यहाँ पर, ठेकेदार था माला, इस बार उसका ठेका नहीं हुआ, रेल चला रहा है, तो वही हम लोग को नौकरी पे रखा है। तो 18-5 से चला रहा है, रेल चला रहा है ना, तो वो नौकरी पे हम लोग के रखा है ना। वो तो पता नहीं, लेकिन पैसे वही ले जाता था ना, वही अमोलक सिंह 1,000-1,200 कार पार्किंग ठेकेदार है। ठेकेदार हो? नहीं जी। काम ही कर रहा हूँ, रेलवे अंडर से, रेलवे ने बोला टीटी देना है। अमोलक सिंह ने 2018 सारी सारी स्टेशन जी जी तो क्या हुआ मामला क्या हुआ? ऐसे कोई मामला नहीं हुआ। विजिलेंस की टीम का जो रेड क्या है, रेड नहीं है क्या, क्या उनसे पता है यार? मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। कौन सी टीम? पंजाब के राजस्व मंत्री सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया आज हल्का मजीठा में आए। इस मौके पर उन्होंने अपने हल्के का दौरा किया, साथ ही उन्होंने इस दौरान लोगों की मुश्किलों को सुना और हल्के के विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई गांव के विकास के लिए ग्रांट भी जारी की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने हल्के के विकास कार्यों को पूर्ण करने का भरोसा भी दिया। जो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का हाल करता है, मैनू लगता है जिनी छेती ताजपोशी होवे उन्ना छेती काम कांग्रेस का मुकूगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सौ ने, सीनियर लीडरशिप ने एक बारी नहीं अनेक बारी टिप्पणी करती है। वो जिहड़ा असाम चो भी छड के गए सी हेमंत बिस्वास शर्मा, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की हार का कारण वड्डा राहुल गांधी दसी। सो राहुल गांधी दे जिहड़ी जिन्नी भी सीनियर लीडरशिप है, जिन्हां नूं 10-10 साल इन्होंने वजीर रख्या, 15-15 साल वजीर रख्या, वो कहिंदे कि राहुल गांधी वड्डा कारण बनना है कांग्रेस पार्टी नूं डुबाउण दा, इसलिए जिन्नी छेती फैसला हो जाए उन्नी छेती कम मुकू कांग्रेस। देखो ये गल कैप्टन साहब नूं सोच बोलण तो पहला सोचनी चाहिए मैं की गल कह रहा। एक्साइज विभाग और ठेकेदार के सूचना के आधार पर गांव कातकिल में दबिश थी। इस मौके पर शराब बेचने वालों में हड़कंप मच गया। इस दबिश के दौरान गांव कातकिल के किसान सरदार सुखदेव सिंह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सरदार सुखदेव सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक्साइज विभाग के कर्मियों ने मृतक से मारपीट की, जिसके कारण ये घटना घटी। वहीं इस मामले में गुस्साए परिवार के सदस्यों और किसान संघर्ष कमेटी ने शव को सड़क पर रखकर रोष प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचे डीएसपी सिटी सरदार हरपाल सिंह, थाना सदर प्रभारी सरदार यादविंदर सिंह ने धरनाकारियों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। ਅਕਸਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਦ ਕੇ ਖੁਰਦ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਫੜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾ ਖਿਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫੜੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਹ ਉਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾੜੀ ਪਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਡਿੱਪਿਆ ਗਾੜੀ, ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਆ, ਸਾਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਿਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਡੀ ਇਸ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲੱਦਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਵਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਰ ਰਹੀ, 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਆ ਵੀ ਕਸਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦਾ ASI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਘਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਲਿਆ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਟ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਗੈਂਗ ਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਕੱਦਗਿਲ
उत्थे अगे दौड़ पिया, दौड़न के बाद उन्होंने उसकी डैथ हो गई आ। उसके संबंध में वारस जो भी बयान दे रहे हैं मुताबक कार्रवाई की जा रही है और बोर्ड बना के लास्ट पोस्टमार्टम करवाया जा रहा। जो भी वो वारस स्टेटमेंट देंगे वो मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ़ करा, किसी भी दोषी ने स्पेयर नहीं किया जाएगा भाई कोई भी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सारी गल क्लीयर होएगी जी, अगे मतलब पोस्टमार्टम बोर्ड राही करवा रहे हैं तो उस तरह जो भी होएगा वो जो इंजरियां आनगियां सामने वो मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी जी। इस बारे एक्साइज पार्टी अजे सामने नहीं गई आई, ना उन्होंने वालों सानू कोई इंटीमेशन नहीं गई। अजे तो यही जो सुखदेव सिंह पेरेंट्स ने वारस ने वो आए ने साढ़े को, तो वह कार्रवाई की जी। बाकी उन्हों का जो होएगा वो बारे जी वक्री उन्होंने रेस्ट करने बाद ही की कार्रवाई। पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अमृतसर के जनरल ऑफिस में किया गया। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जतेंद्र बीर सिंह ने बताया कि बैंक में पिछले वर्ष की तुलना में बैंक ने 31 मार्च को समाप्त अवधि में 64% वृद्धि दर्ज करते हुए 12,067.99 करोड़ का प्रचलन लाभ प्राप्त किया है और बैंक प्रति क्रामिक व्यापार में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि बैंक उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उनका वित्तीय सेवाओं को अन बैंक ते अन सर्विस एरिया च पहुंचाने के लिए जो सा बैंक मित्रा का मॉडल बहुत कामयाब रहा और उसकी वख-वख पद्धर ते उसकी प्रशंसा भी हुई। बैंक मित्रा ने साडे बैंक च जिहड़ा उन्हां दा काफ़ी वधिया कारगुजारी रही। मैं कहांगा कि असी इस वेले हैड ऑफिस दे विच एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिहदे विच यह स्टडी किया जाएगा कि किहड़े इलाके ने जिन्हां दे विच अजे अनबैंकड या अनसर्विस्ड एरियाज ने और कित्थे साडियां जिहड़ियां ब्रांचेज ने फाइनैंशियली वायबल हो सकन, क्योंकि ब्रांचां खोलण दे नाल उन्हां दी फाइनैंशियल सस्टेनेबिलिटी ते वायबिलिटी भी जरूरी, क्योंकि वो उस और वो जिहड़ी एक्सरसाइज चल रही उहदे ते आधार ते फिर असीं अगे जिहड़ी इहनां दा। एक बार फिर नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मां भद्रकाली के मेले पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एसटीपीसी के कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है मेडिकल माफिया, कहा सरदार मनदीप सिंह मन्ना ने। दुबई से आए यात्री से 17.5 लाख का सोना कस्टम विभाग ने किया बरामद। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।